हरीम आप बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कौन कौन से रास्ते यहाँ पर खुले हैं और कौन से बंद हैं? देखिए इकरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीरो पॉइंट पुल के पास। यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट साइड पे रास्ता है ये श्रीनगर हाईवे की तरफ जाता है, जबकि ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहा है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सके तो ये जो कंटेनर लगा के रास्तों को कल रात बंद कर दिया गया था, एक साइड के रास्ते हैं वो शहरियों की मुश्किल के पेश नज़र अभी अब से कुछ ही देर पहले उन रास्तों को खोल दिया गया है। एक लाइन जो है वो खोल दी गई है ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किल ना हो सके। इसके अलावा इस्लामाबाद के 24 जो मकाम हैं उनको सील किया गया था। और इसके अलावा हम बात करें डी चौक की सूरत हाल की, तो डी चौक के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद किए गए सिवाय मारगला रोड के। मारगला रोड का रास्ता जो है वो खुला है। जैसे कि आदित्य तनोली ने भी बताया कि तमाम बस अड्डों को रात को ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि आप लोग टेंट लगा के बस अड्डों को सील कर दें। तो इसके अलावा मोटरवेज भी बंद हैं, मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी बंद है। शहरियों को काफ़ी मुश्किल आ रही थी, उसके बाद ज़्यादातर उन्होंने रेलवे स्टेशन का रुख किया था। अभी की जो सूरत हाल है उसके सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद की सड़कें हमें मामूल के मुताबिक रश नहीं दिखाई दे रहा। आज चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है, तो अब से कुछ ही देर बाद अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए कंटेनर जो है उनको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। और तमाम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।